तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम शनि देव के मंदिर पूजा पाठ करने के लिए। वैसे तो हम कभी जाते नहीं है दोस्तों पर आज जा रहे हैं। आज का मौसम देख सकते हो, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश पड़ रही है। अब हम जाएंगे यहाँ शनि देव इसी मौसम में। आज मतलब जच रहे हैं और इनके लिए लड़की देखी जाए। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं सारे देख लो, अगर ये लड़का पसंद है तो इनसे शादी करने के लिए रेडी रहो। जो कि इनकी बदौलत है आज हमने हम जा रहे हैं शनिदेव के मंदिर दर्शन करने के लिए पूरा, जो कि हमने ब्लॉग में 3-4 बार बता दिया है। तो आज का कंटेंट यही है। वहाँ पे यमुना नदी के किनारे शनिदेव का बहुत ही अच्छा मंदिर है वहाँ पे। और हमारा काना भैया जो अभी तक नहीं आया भाई, उसको छोड़ो, आ गया घर पे, छोड़ दो उसको। देखो इनका लड़ाई करना स्टार्ट हो गया। देखो काना भैया कर रहा है किसी के बारे में कर रहा है लड़ाई। अच्छा तो भाई सेट हो जाओ जल्दी पीछे सेट हो जाओ। तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है भाई हमने और आज से प्रॉपर व्लॉगिंग होगी जहाँ तक है तो हिसाब से हो जाएगी भाई। वारे की जय महाराज की जय हनुमान की हो वारे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो दोस्तों रश देख सकते हो आप, कितना रश है यहाँ पे एक मंदिर के लिए। तो भैया अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले ना? हाँ पहुंचने वाले हैं बस। ये सामने यमुना नदी है, उसके किनारे ये मंदिर है। देखो ये वाला, उसी के नीचे की साइड हम जाते हुए जा रहे हैं और पैदल वाले श्रद्धालु जा रहे हैं। देखो भाई सभी जा रहे हैं और पूरा दर्शन मिलेगा वहाँ पे। काफी अच्छी मान्यता है इसमें, सभी देवी देवताओं का वो है मंदिर एक ही मंदिर के अंदर। बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोग आना कभी घूमने के लिए। लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, ब्लॉग में देखी जाएगा लोकेशन कैसी है। दोस्तों भाइयों आ चुके हैं हम यहीं शनिदेव के मंदिर पर और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। हम टोटल पता नहीं कितने जने, मैंने गिना नहीं है। और ये हमारे रोनी भैया, चप्पल उतार दीजिए प्लीज गाड़ी में। देखो दोस्तों बहुत ही मतलब अभी तो ये समझ लो बारिश हो रही थी, इस वजह से हम भीड़ नहीं है, नहीं तो बहुत भीड़ होती। हाँ भाई रजत, भीड़ होती नहीं होती यहाँ पे? मैं तो भाई पहली बार आया हूँ। कौन कौन पहली बार आया यहाँ पे? मैं तो भाई दूसरी बार आया हूँ। और तुम? फर्स्ट टाइम। ओके, वो भाई साहब जो उधर मूत्र मुक्ति कर रहे हैं वो भी फर्स्ट टाइम आए शायद। ये दोस्तों अड़ा दिए इन्होंने यहाँ गाड़ी गाड़ी अड़ा दी इन्होंने। नहीं कटेगी ये भी बेल पत्र को पेड़ है। ठीक है ये भी भैया। हाँ भैया तो अब जाके तुम्हें मैं दर्शन कराऊंगा, अंदर जाके दर्शन होंगे भाई अच्छे वाले, वीडियो बना के दर्शन होंगे पूरे। हमारे फौज भी क्या सबसे आगे चल रहे हैं, जैसे फौज चलती है ना आगे। भाई मेरे कांटा लग गया, उनका नियम है। देखो सबसे आगे चलते रहते हैं हर टाइम हर टाइम। भाइयों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार आया हूँ शनिदेव के मंदिर में। हम भी मी टू या मैं काफी बार आ चुका हूँ और मेरा ही प्लान था इन सब लोगों को लेके आने का यहाँ पे। हाँ प्लान तो इनका ही था भाई, पर सबकी राजी हुई, सब आ गए भाई। दोस्तों हम अभी पूजा की थाली यहाँ से लेंगे, उसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे पूजा करेंगे, उसके बाद भंडारा भी खाएंगे। भंडारा स्क्वाड, पूरा स्क्वाड हमारा मंदिर के पास आ चुके हैं और हम प्रसाद लेने अब हम तैयार हैं। प्रसाद की थाली लेंगे। जी बढ़िया, गुड बोल रहे, गुड अच्छा बोल रहे, अच्छा बोल रहे। आप फिर बोलना चाहेंगे भाई? भाई मैं बस सबसे बड़ी वाली थाली लूंगा। अभी कहा था मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ शनिदेव महाराज के मंदिर में, और यहाँ से हम ले रहे हैं प्रसाद की थाली और दर्शन करने के बाद शायद हम इस झूले पर झूलेंगे। ये आप देख रहे हो सामने भाई, ये है 20 रुपए की थाली। ठीक है ये और ये हमारे भैया ये जल्दी भैया, हम तो पूजा करने हैं, फिर बाद में मिलते हैं आपसे पूजा के बाद। पेल दिए आते ही और भंडारा खूब खा रहे हैं भाई, वो भंडारा खा चलेंगे और खाएंगे। अभी देखना तू, देखना वीडियो में लेने जाऊंगा। ठीक है वीडियो में रहना भैया। यहाँ पे अभी से पढ़ने लिखने की उम्र में भंडारा मारे जा रहे हैं।
मिशन सक्सेसफुल हो गया उसका। कहाँ पर है अभी देखता मिशन सक्सेसफुल। पहली बोत नहीं पहली बोत रही। अब पढ़ने लिखने यार पढ़ने लिखने की उम्र में भंडारे मारे जा रहे हैं यहाँ पर भंडारे खाने। फिर घुस गया हमारा चैंपियन कबड्डी चैंपियन पूरी मारी जा रही है। भाइयों आपको किसी किसी को नसीब होता है इस प्रकार से खाना। बहुत ही अच्छा मूवमेंट लगा मुझे। अभिषेक चौधरी आपको कैसा लगा ये भंडारा खा के बताऊंगा। जयप्रकाश को साहब तुम्हें कैसा लगा? पूरी बारह पूरी जल रही है। फौजी भैया तुम्हें? भाई मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट लगा। इस प्रकार से भंडारा किसी किसी को नसीब होता है, जिसके भाग्य में होता है उसी को नसीब होता है। और 15 दोना खा चुका हूँ मैं 15 दोना। और इस प्रकार भंडारे को खाने का कुछ आनंद ही कुछ अलग होता है। आपको कैसा लगा छोटे बच्चों? भैया कितने दोने खा चुके हो तुम? 2-3 8 खाए। अब हम बच्चा आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य था? दोना और पूरी दर्शन करना तो एक नहीं पैसन तो आपका भंडारा था। मैं भंडारा। चलो तो भाइयों देखो ये सबसे इनका मेन दर्शन करने के नहीं था, इनका मेन मकसद था भंडारे छेड़ दिए इन्होंने। इन्होंने भंडारा खाने की कोई याद होती है, प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। इन्होंने तो पता नहीं क्या पेटू जैसे बिल्कुल देखो पेट भर रखा है। देखो 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 उंगली नहीं जा रही है। सारे ना इन्होंने 15 दोने खाया। दोस्तों 21 दोने तो मैं खा चुका हूँ। सिर्फ 8 पूड़ी खाई है। नहीं मैं तो थाली भर के खाई थी, वो थाली धो दी मैंने अभी। तो गाइस हमें मिल चुके हैं हमारे सर भानु प्रताप। तो सर कुछ बोल दीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स को कबड्डी के बारे में। ये अभिषेक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। और ये मान्यता जो शनिचरा महाराज पे आए हैं ये खिलाड़ियों को और बहुत बड़ा प्रोत्साहन देती है। और खिलाड़ियों के लिए तो हमेशा हनुमान जी ही पथ प्रदर्शक हैं। तो हनुमान जी की बोलो हनुमान जी की जय। तो पूजा है क्या हनुमान जी की? तो फ्रेंड्स फाइनली सारी चीजें हो चुकी हैं, पूजा भी कर ली है, भंडारा भी खा लिया है। तो अब जा रहे हैं हम सीधे घर की तरफ और घर जाके सीधा आराम करेंगे। चामुंडा देवी के मंदिर और जा रहे हैं भाई, वो भी चेक करना है हमें। फौजी भी है देखो गाड़ी चला रहे हैं। तो दिस इज दोस्तों ये है सर्रू का पेड़, इतना लंबा लंबा ठीक है। और ये भाई साहब देखो यहाँ कटर मस्ती करते हुए बड़ा बंदर आया। देखो ये बड़ा बंदर आ गया है, इनकी हरकतों से ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। देखो देखो जी देखो छिल्ले ही पाम। देखो जी तुम्हारा रुक गए। देखो जी ये क्या किया जाए इनका। अरे देखा जाए ये देखो चले गए भाई। ये देखो पहले तो शौक शौक में चढ़ गए, अभी देखो ये क्या हो रहा है इनके। तो फाइनली हमने शनिदेव महाराज के दर्शन कर लिए हैं, अभी जाएंगे हम माँ चामुंडा के मंदिर में जो कि बहुत ही मान्यता और बहुत ही छोटा मंदिर है मगर मान्यता बहुत ही ज्यादा है। मैया का मंदिर देखो नजर आ रहा होगा ये माँ चामुंडा। श्रद्धालु बहुत ज्यादा कम है, बाकी इधर भीड़ इतनी रहती है कि इधर चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती। यस ब्रो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। यस 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 जानवर को जानते होंगे इसे कहते हैं हमारी भाषा में लंगूर। लंगूर ही है भाई खतरनाक है। ओए मेरे भैया क्या कर रहा है तू यहाँ? अभी जा देखो प्रसाद मिला है। माँ चामुंडा के दर्शन कर चुके हैं और काफी कर लेना, इसलिए मैं ब्लॉग बनवा रहा हूँ भाई से। पता नहीं किस किस को नसीब होता है चामुंडा देवी के दर्शन। Very best vlog for this and you watching my YouTube channel and माँ चामुंडा देवी मंदिर। और अभी हम पहुंच गए हैं यमुना जी घाट पर, इसमें हम अभी डूबेंगे। चलो भैया डूब के दिखाओ हम पहले।
सबसे पहले हमने आज अभी फाइनली सबसे पहले हमने शनिदेव के मंदिर शनि बाबा के दर्शन किए, उसके बाद माँ चामुंडा के मंदिर पे आए और बीच में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिससे हमें देखते ही थोड़ा सा अलग फील होता है। जैसे ये हमारे जेपी पता नहीं भंडारे के इतने भूखे हैं, जो लोग भंडारा करा रहे थे, जो श्रद्धालु भंडारा करा रहे थे वो हमारे पास आगे लास्ट में भाई इसको ले जाओ, इतना खाना भंडारे वाले हमारे और इन्होंने इतनी शिकार अंकल जी इन्होंने बताया अंकल जी के पास आ गए थे हमारे, इन्होंने इतना खाया पता नहीं कहाँ से आ जाते ये लोग, दोबारा बनाना पड़ रहा है भाई। मैं बैठा दोस्तों कोई मजे नहीं है, देखो मैं झूठ नहीं बोलता तुमसे सच बता रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल सच है। हाँ जी बोली सही, वो बोली कुछ बोल सकते भाई, देखो जो सबके साथ झूठ बोल रहे हैं, हाँ मैं भंडारा खा के आया हूँ ऐसी भी बोना है, पर इन्हें घुमावे प्लान मेरा ही हो, मेरी वजह से सब लोग घूम रहे हैं, सब भंडारे खाए गए हैं, मैं तो ज्यादा खाए गए हैं और अब से करें तो इतना जय हो इतना यू लेवल लगा लगा। तो भाईयो ये सब चीजें झूठ बोल रहा है क्योंकि इसकी बेइज्जती हो रही है अब इसमें, क्योंकि लोग जो जो श्रद्धालु भंडारा करा रहे थे वो लोग हमारे पास तक आके मांगने के लिए बुलाने के लिए। दोस्तों इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके बाद व्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ। तो चामुंडा मैया की जय, बोल जेपी भैया की जय।